कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर सबसे अधिक पड़ रहा है। मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को शनिवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। इसकी वजह थी कि गुवाहाटी एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई थी। इसके कारण फ्लाइट असम के गुवाहाटी हवाई अड्डे पर नहीं उतर सकी। बाद में फ्लाइट को असम शहर से 400 किलोमीटर से अधिक दूर ढाका की ओर मोड़ दिया गया। इम्फाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सूरज सिंह ठाकुर भी उस फ्लाइट में मौजूद थे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट में थे, लेकिन उस फ्लाइट को डायवर्ट कर दिया गया। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने मुंबई से गुवाहाटी के लिए इंडिगो 6E की फ्लाइट संख्या 6E5319 ली थी, लेकिन घने कोहरे के कारण फ्लाइट गुवाहाटी में नहीं उतर सकी। इसके बजाय ये ढाका में उतरी। उन्होंने बताया कि विमान में सवार सभी यात्री अपने पासपोर्ट के बिना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए। मैं मणिपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकला था। देखते हैं हम कब तक गुवाहाटी पहुंचेंगे, वहां से फिर इम्फाल के लिए फ्लाइट लूंगा। फिर सुबह 11:48 पर उन्होंने बताया कि करीब 12 घंटे की फ्लाइट के बाद मैं यूरोप पहुंच जाता। हालांकि मैं गुवाहाटी पहुंचकर खुश हूं।